थी, वहां की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहां पर हिंदुओं को राखी बांध रही हैं। एंड इट इज़ शोइंग द बॉन्डिंग बिटवीन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि किस तरह से कह लें कि उनका जो प्यार है करते हैं लोग दूसरे से, वो नजर आ रहा होता है। और मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही हैं, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही हैं। आई थिंक सो कि इसमें ये नहीं चीज देखी जाती है कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, ऑल ओवर कह लें कि ओवरऑल जो एक पॉजिटिव मैसेज। अच्छा तो अब्दुल माजिद साहब, आप क्या समझते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत ने सितंबर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, UAE मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, US तक मनाता है राखी। बस जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद ये दायरा जो है ना वो मजीद बढ़ता हुआ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अंदाजा लगाए, हमें ब्रदर की कोई वो नहीं है, माँ की कोई नहीं है, बहन की कोई नहीं। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। अब यहाँ से अंदाजा लगाए, वहाँ पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखे तो पाकिस्तानी आके, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। जी हाँ, IMF की गीता गोपीनाथ जो है उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। तो बहुत खूबसूरत सा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में रक्षा बंधन का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में इस त्योहार के मौके पर जम्मू कश्मीर में एक खास पहल देखने को मिली। यहां पर मुस्लिम महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधी। सोमवार को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास सोनी गांव में महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधी। इस दौरान महिलाओं ने इन जवानों को अपना भाई बताया, साथ ही महिलाओं की रक्षा करने के लिए उनके प्रति आभार भी जताया। देश की रक्षा में तैनात भारतीय सेना के इन जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाते हुए इन बहनों ने कहा कि हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि हमें ये अवसर मिला और आज हम सभी ने इन जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही हमने इन जवानों से वादा लिया है कि वह हमेशा हमारी इसी तरह से रक्षा करते रहें। अब पाकिस्तान मीडिया मुस्लिम महिलाओं द्वारा भारतीय जवानों को राखी बांधे जाने से काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में जो त्योहार होते हैं जैसे कि राखी है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, ये हम मनाते क्यों नहीं? आम जो पाकिस्तानी मुस्लिम है वो इस तरह के त्योहार क्यों नहीं मनाते? हालांकि बड़ा ही प्यारा त्योहार है ये राखी का, बहन भाइयों का प्यार इसमें बताया जाता है और इसमें दोनों तरफ से भाई बहन से प्यार अपना दिखाता है और बाद में बहन भी भाई से अपना प्यार दिखाती है। तो पहले मैं निमरा जी आपसे जानूंगा, इस तरह के त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत और इससे जो है अच्छा एक इमेज जाता है बहन भाई के प्यार का? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप माइनॉरिटीज को इंसान समझते हैं जो आप कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटीज के त्योहार मनाए? हम लोग तो उनको इंसान समझते ही नहीं है, हम लोग तो उनके त्योहारों को त्योहार समझते ही नहीं है। UAE मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, US तक मनाता है राखी। और US की मैं आपको आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, वो अपने चैनल पर लाजमी लगाइएगा। अंग्रेज लोग हैं, अपने बच्चों को उन्होंने बिठाया हुआ है एक यहाँ पर, उन्होंने अमेरिका का और साथ ही उन्होंने भारत का झंडा पीछे बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है और वो माँ अपने बच्चों को कह रही है भाई राखी बांधो, इट्स वेरी गुड। मतलब वो अंग्रेजी में समझा रही है कि ये त्योहार बहुत अच्छा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। तो आप देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं उन ममालिक की, UAE की बात कर रहे हैं हम, दुबई की बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के अलावा अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, US वगैरह की भी बात करें, UK की भी बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान है जो अभी तक यही रोना रोकर बैठा हुआ है कि क्रिश्चियन इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है, ईसाई इंसान नहीं है। जड़ावाला में जो वाकया हुआ है उसी को देख लेना कि हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मानने से इनकार कर दिया है कि हमारी गलती, हमने तो ये बोल दिया कि इसके पीछे भी भारत की साजिश है, लो पीछे रह क्या गया है। मतलब आप अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हो, आपकी नजर में माइनॉरिटीज की कोई हैसियत नहीं है। और कहने को ये भी है कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो जिस लड़की का जहेज तहस नहस इन्होंने किया था उसको दोबारा जहेज भी दिया, पता नहीं दिया भी है या नहीं दिया, या ऐसे ही फेक खबर आ गई। अगर दिया भी है तो क्या ये आपकी गलती का अजाला है?
इतने सारे माइनॉरिटीज की आपने जिंदगी तबाह करके रख दी और फिर आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हो, इस मुंह से जाते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करने जाते हो कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बर्मा में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पर ह्यूमन ग्रीस में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मतलब आपने खुद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करनी है और आपने यूनाइटेड नेशंस में जाके फिर भी ढीठों की तरह कहना है कि मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है। क्या तुम लोग खुद ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हो? क्या तुम लोग के खुद नाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की लिस्ट से निकल गया यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट के मुताबिक? अगर हम कश्मीर इशू की बात करते हैं तो भारत का नाम उससे निकल चुका है, क्योंकि भारत ने सॉलिड प्रूफ देकर अपना नाम उस लिस्ट से खारिज करवा लिया। पाकिस्तान का नाम स्टिल अभी उस लिस्ट में शामिल है। तो हम इस बात से क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां कौन लोग जो है वो ज्यादा लोगों को या दूसरी कम्युनिटीज को जो है वो इंसान समझ रहे हैं। वहां मैं देख रही थी, वहां की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहां पर हिंदुओं को राखी बांध रही है, मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही है, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही है। राखी का मतलब क्या है? रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, बंधन का मतलब रिलेशनशिप, ये एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप है। तो बहुत खूबसूरत सा त्यौहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। बल्कि अगर हम रक्षाबंधन के अलावा और भी इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है, ऑफिशियल हॉलीडेज तक अनाउंस कर दी गई है उनके लिए। और हम कहाँ जी रहे हैं? हम वो कौम है जो कि इस्लामाबाद में मंदिर के प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उस पर फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं भाई मंदिर बना तो बना क्यों, और फिर आपकी इन सब हरकतों के बाद माइनॉरिटीज मुल्क छोड़ देती हैं या एहतजाज करती हैं, और आप बोलते हो ये भाई गलत कर रहे हैं, इस्लामोफोबी है। अच्छा अनम जी, आपसे मैं पूछूंगा कि आप जो ये त्यौहार है जो राखी का त्यौहार है, इससे पहले होली और दिवाली भी आए थे पाकिस्तान के अंदर, ये कॉन्सेप्ट नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो भी ये त्यौहार है उनको मजहब के साथ अटैच कर दिया जाता है, तो आप वैसे देख रहे हैं कि इस तरह के त्यौहार हमें भी सेलिब्रेट करने चाहिए? इससे बहन भाई का जो रिश्ता जिस तरह से होता है, बहन को भाई के तहफ्फुज़ का इजहार होता है, तो ऐसे सेलिब्रेट करने चाहिए हमें भी त्यौहार? मुझे लगता है आप सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको सुकून की जिंदगी रास नहीं आ रही। आप चाहते हैं कि हम सब पे फतवे लगे, आप चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हमारा इस्तेमाल हो जाए। तो देखिए मुजफ्फर भाई, हम लोग यहाँ पर कितना मर्जी कर ले, लेकिन हम लोगों ने इस्लाम को जरूर फॉलो करना है, लेकिन हमने साथ बैलेंस टाइम में लाजमी मनाना है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए, हमें ब्रदर की कोई वो नहीं है, माँ की कोई नहीं है, बहन की कोई। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं वो पाकिस्तानी लड़की है, फीमेल है,